शादीलाल पंडिता है। हमने कश्मीर फाइल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया था, उसमें हमने कहा था मिलिटेंट पाकिस्तान से आए थे और उन्होंने पाकिस्तान ने कश्मीरी मुस्लिम को भी ट्रेनिंग दी थी और मिलिटेंट बनाया था, जिसकी वजह से कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई थी और 1990 में हमें मारा गया था, चुन चुन कर मारा गया था और हमें जलाए वतनी पर मजबूर किया था। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कश्मीर के मुसलमान सारे मिलिटेंट नहीं है और यह भी कहा था कि कश्मीर में मुसलमानों को भी मारा, सिखों को भी मारा, जम्मू के राजपूतों को भी मारा और हर एक मजहब के कम्युनिटी को जो उनको हिंदुस्तानी लगता था उनको मारा गया। ये हमने स्टेटमेंट दिया था जिस पर हमें अब थ्रेट मिल रहा है, हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम सरकार से कहना चाहते हैं ये बीजेपी के गुंडे दलाल जो यहाँ अमन को दरहम बरहम करना चाहते हैं और सेक्युलर लोगों को मरवाना चाहते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार यही करना चाहते हैं इस फिल्म के जरिए। क्या आपको इसीलिए ये फिल्म लोगों को दिखानी थी ताकि सेक्युलर लोगों को मारा जाएगा? अनुपम खैर जी भी कश्मीरी पंडित हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? अनुपम खैर जी कश्मीरी पंडित है लेकिन वो माइग्रेंट नहीं है, वो बहुत पहले चले गए हैं और पाश जिंदगी बहुत बड़ी अच्छी तरह से जिंदगी बसर करते हैं, उनको हमारे बारे में बिल्कुल पता नहीं है जो कैंपों में। एक बार कश्मीर में वो आए थे, उनको एयरपोर्ट में रोका गया, क्या कहना चाहेंगे सर? तो उस वक्त भी उसको इसी बात पर एयरपोर्ट पर रोका गया था क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में जब भी उनको कुछ अपने मफादों के लिए कुछ मिलता है वो वही कहता है जिससे जम्मू कश्मीर में बवाल पैदा होता है। क्या कहना चाहेंगे जो आप उधर अपने घर छोड़ के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे दोबारा अब श्रीनगर वापस नहीं जाएंगे? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप हमें कब कश्मीर में बसाओगे? आप कहते हैं इनको कांग्रेस ने निकाला, बाकी सरकार, लेकिन सरकार आपकी थी, आपकी सरकार, आपका जगमोहन जी गवर्नर था, आपके बलबूते पर वीपी सिंह साहब की सरकार बनी थी, तो आप बहानाबाजी कर रहे हो। हमें बताया जाए, हमें जवाब दिया जाए, आप फिल्म दिखाकर आप क्या करना चाहते हैं, हमें कब बसाओगे, हमारे यूथ को नौकरियां कब दोगे, हमारी प्रॉपर्टी कब वापस मिलेगी और हमारा जो नुकसान है 32 साल का वो कब हमें वापस मिलेगा?